इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर नेक्स्ट चैप्टर है मोशन एनालिसिस। मोशन एनालिसिस क्या होता है कि कैसे जो है बॉडी जो मोशन करती है, जो कि बहुत ही स्मॉल मोशंस होते हैं और अपने को उन मोशंस का पता भी नहीं चलता, और जब वो पूरे दिन के लिए काम करता है पूरी बॉडी, तो वो क्या करती है उन छोटे छोटे मोशंस के कारण उसके अंदर ज्यादा थकान आ जाती है, जिसके कारण शाम तक वो काम करना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, और एफिशिएंसी जो है शाम तक काम करने की वो कम हो जाती है। माइक्रो मोशन स्टडी या मोशन एनालिसिस क्या होता है, इसके अंदर आप पढ़ेंगे कि कैसे जो है आप बेस्ट मूवमेंट्स ले सकते हैं बॉडी से विद द चेंजेस इन एनवायरमेंट, विद द चेंजेस इन जो वर्क स्टेशन है, वर्क एरिया है, उसके अंदर छोटे छोटे चेंजेस करके आप कैसे जो है बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं। अगर कोई बॉडी जो है कंटिन्यू मूव करती है, ठीक है, तो उसकी मूवमेंट के ऊपर क्या किया जा सकता है कि कैसे उस मूवमेंट को कम से कम किया जा सके और एफिशिएंट बनाया जा सके, ठीक है, ताकि वो वर्कर जो है वो शाम तक काम करे उतनी ही एफिशिएंसी से, तो उसको फटीग ना महसूस हो, उसको थकान ना महसूस हो, ठीक है, वो होता है माइक्रो मोशन स्टडी। और जो माइक्रो मोशन स्टडी जाओ उसको बोलते हैं मोशन एनालिसिस, ठीक है। तो ये क्या है, एक टेक्निक है मोशन एनालिसिस, या माइक्रो मोशन स्टडी, इट इज ए दैट टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग एनालाइजिंग एंड मॉडिफाइंग मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग बॉडी मोशंस नॉन एज माइक्रो मोशंस और थर्बलिंग्स, ठीक है। दूसरा क्या बोलते हैं उनको, थर्बलिंग्स बोलते हैं, ठीक है, थर्बलिंग्स। ठीक है, तो थर्बलिंग्स क्या होती हैं, ये एक ऐसी शॉर्ट बॉडी की मूवमेंट होती है, जैसे मेरा हाथ है अब ये लेक्चर के दौरान जो मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, थर्बलिंग्स बोलेंगे, ठीक है। आईज जो है वो किस तरफ जो है कुछ सर्च करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, जो आपकी तरफ देख रही है या क्या कर रही है, वो सारी क्या है, थर्बलिंग्स हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं स्मॉल बॉडी मूवमेंट्स को बोलते हैं थर्बलिंग्स, ठीक है। तो थर्बलिंग्स जो होती है वो बहुत सारे टाइप्स की होती है, 17 जो थी पहले जो है काउंट की गई थी, उसके बाद एक जो थी वो एलेक्सरी थी उसको हटा दिया गया, ठीक है, जो है आई मोशन जो है इसके अंदर ऐड कर दिया गया। तो ऐसे जो है इसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन जो है इसके बारे में थर्बलिंग्स के बारे में जो माइक्रो मोशन करना है उसको स्टडी करना है, ठीक है, ये सारी चीजें आपने सीखी और उसकी हेल्प से जो है आपने उसको और ज्यादा एफिशिएंट बनाया, वर्किंग को और ज्यादा स्टेबल बनाया, ठीक है। तो थर्बलिंग्स के बारे में किसने बताया था, थर्बलिंग्स वर सजेस्टेड बाय फ्रैंक बी थर्बलिंग्स are suggested by G. Frank, Frank B. ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में सजेशन दिया था कि ऐसा कुछ होता है, गिलब्रेटन, ठीक है। तो ये थे एक साइंटिस्ट फ्रैंक बी गिलब्रेटन जिन्होंने थर्बलिंग्स के बारे में खोज की थी,
उन्होंने कहा था कि ये माइक्रो मोशन होते हैं जिनके बारे में अगर आप स्टडी कर लोगे तो आप ऊपर एरिया को वर्किंग को और ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हो और ज्यादा अच्छा बना सकते हो। ठीक है, तो इसका जो है माइक्रो मोशन स्टडी है, इसके जो है कहां कहां पे यूज होता है, कहां कहां इसको आप यूज कर सकते हैं, तो इसका एम क्या है, एफिशिएंट बनाना वर्क को। ठीक है, लोग जो है उसके ऊपर जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके लिए वो थोड़ा सा क्या हो, अच्छा हो, बेहतर हो, काम करना एंजॉय करें। ठीक है, और जो है इसके ऊपर जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनको और ज्यादा एफिशिएंट किया जाए। ठीक है, और जो है वर्क एरिया है उसको कॉम्पैक्ट किया जाए ताकि वो वर्कर्स जो है वो थोड़े एरिया के अंदर ही मूवमेंट करें, ऐसा ना हो कि बहुत लंबी मूवमेंट करनी पड़ रही है, ठीक है, उनको अपना काम करने के लिए। ठीक है, और जो है टाइम को कम किया जा सके, कैसे जो है टाइम को मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके सबसे पहले एम्स क्या है, एक जो है रिकॉर्ड करना पूरी टेक्निक को। ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग के द्वारा जो है कि कैसे जो है बेस्ट मेथड डेवलप करना कि कैसे उसको सुधारा जा सकता है, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर उसको अप्लाई करना। ठीक है, ये सारे काम माइक्रो मोशन स्टडी करती है। ठीक है, जो थर्मलिक्स हैं, जो माइक्रो मोशंस हैं, वो जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं माइक्रो मोशन स्टडी के अंदर। थर्मलिक्स बहुत सारे तरीके के होते हैं, उनमें से जो मेन है सबसे पहला आता है उसके सबके जो थर्मलिक्स के डिफरेंट कोड्स बने हुए होते हैं। अब जो 16, 17 या 18 थर्मलिक्स हैं, 16 जो है वो मेन है और उसके बाद 17 और 18 जो थी वो आई मूवमेंट के लिए उसको यूज किया गया। ठीक है, तो ये सारी जो है थर्मलिक्स इसको इम्पोर्टेंट जो है इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट है वो आप देख लेते हैं कि कौन कौन सी है जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके सिंबल्स बने रहते हैं और उनके अलग अलग कलर्स बने रहते हैं जब आप इसका चार्ट बनाओगे। अब आपने क्या करना है, माइक्रो मोशन को स्टडी करना है, किसी बॉडी की मूवमेंट को स्टडी करना है, उसके लिए आपको चार्ट्स बनाने होंगे कि वो कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, उस चार्ट्स के अंदर आपको उसके सिंबल्स यूज करने होंगे, कोड्स यूज करने होंगे या फिर कलर यूज करना होगा। ठीक है, अलग अलग चीजों के लिए। तो जैसे सिंबल्स आप पढ़ लेते हैं कौन कौन से होते हैं थर्मलिक्स के लिए। सबसे पहले सिंबल है, इस तरफ मैं सिंबल्स लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा उसका कोड, यहां पे लिखूंगा वो क्या काम क्या कर रहा है आपका। ठीक है, नेम उस जो भी थर्मलिक है उसका नेम क्या है, नेम, और यहाँ पे उसका अपा वर्क लिखेंगे। ठीक है, कि वो डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि वो क्या काम कर रहा है, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कि एक्चुअल में क्या काम हो रहा है। तो यही चार चीजें आप लिखेंगे इसके अंदर। कलर्स भी होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कलर्स भी थर्मलिक के सारे अलग अलग होते हैं, कौन कौन सा कलर जो है किस चीज को डिनोट करता है। सबसे पहले अपा सिंबल देखते हैं, एक आई ऐसा सिंबल होता है जिसके अंदर क्या होता है, इस तरफ कुछ जो है ऐसे बना हुआ होता है। इसका मतलब क्या है कि अपा एक तरफ को देख रहे हैं, इट मींस अपा कुछ सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर्च का कोड आएगा एस एच और थर्मलिक का नाम क्या है, सर्च, सर्च करना। ठीक है, मतलब कि आप आईज के द्वारा कुछ ना कुछ सर्च करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो कुछ भी लोकेट कर रहे हो आप, लोकेट एन आर्टिकल, एक आर्टिकल को, एक बॉडी को, एक किसी भी जो है कोई भी चीज है उसको आप लोकेट करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो आर्टिकल को लोकेट करना क्या कहलाता है, जो है सर्च कहलाता है। तो एस एच कोड है उसका और सिंबल ये आ गया। ठीक है, ये पहली तरफ लिखा गया। दूसरा क्या है, आपको मिल चुका है वो। ठीक है, सर्च कर रहे थे उसके बाद आपको मिल गया। ठीक है, तो आपके जो है आईज वो कैसी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगी वो। ठीक है, तो वो क्या हो गया, फाइंड। ठीक है, फाइंड का कोड क्या हो गया, फाइंड एफ। ठीक है, नेम क्या है थर्मलिक का, फाइंड। ठीक है, अब आपने क्या कर लिया, किसी चीज को जो है सर्च के एंड में जब वो मिल गया। ठीक है, रिएक्शन एट एंड ऑफ सर्च, ऑफ सर्च, सर्च जब खत्म हो जाएगी आपको पता चल जाएगा कि ये मिल गया। ठीक है, तब आपका रिएक्शन कैसा होगा, वो जो मूवमेंट है उसको आप क्या लिखेंगे, एफ से लिखेंगे। अब आप दो मूवमेंट कर रहे हो, सबसे पहले आपको एक पीस जो है उसको असेंबल करने की कोशिश कर रहे हो, आपके दोनों हाथ जो है दो अलग अलग पीसेज उठाते हैं और उसको असेंबल करते हैं। ठीक है,
सबसे पहले आप क्या करते हो उसको सर्च करते हो, ठीक है, दोनों तरफ से। जैसे ही आपको दोनों चीजें मिल गई उसके बाद आप क्या करते हो कि हाँ मिल गई, आपको उसके सामने देखा, आपको उसके सामने देखा, दोनों चीजें मिल गई, उसके बाद आप उसको वापस लेके आते हो और असेंबल करते हो, ठीक है। तो अब आपको क्या है, वो चीज मिल चुकी है, अब आपने क्या करना है उसको सिलेक्ट करना है कि ये वाला पीस मैंने उठाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया, सिलेक्शन। तो सिलेक्शन के लिए क्या सिंबल रहता है, ऐसा, ठीक है। और इसका कोड क्या है सिलेक्शन का, ST, सिलेक्शन, ठीक है। इसके अंदर आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे कि ये वाले पीस के ऊपर मुझे काम करना है, ठीक है। तो सिलेक्शन फ्रॉम ए नंबर, सिलेक्शन फ्रॉम ए बंच, सिलेक्शन फ्रॉम ए नंबर, बहुत सारे जो है वहां पे क्या है पार्ट पड़े हैं, उनमें से आप एक पार्ट, एक पीस उठा लेते हो, ठीक है। तो ये क्या है, सिलेक्शन है, ठीक है। तो सिलेक्शन का ये वाला सिंबल है। अब आपने इतने मोशन किया, आपको पता भी चला, आप एक पीस उठाते हो और उसको असेंबल कर देते हो, उस टाइम तक आपने क्या किया था, सर्च किया, फिर फाइंड किया, फिर आपने सिलेक्ट किया, फिर आपने उसको उठाया, ठीक है। उसके बाद उठाने को क्या, अब आप उठा रहे हैं उसको, उसको क्या बोलेंगे, ग्रैस्प करना। तो ग्रैस्प का क्या सिंबल होता है, ऐसा सिंबल होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रैस्प करना, जी से डिनोट करते हैं इसको, जी, ग्रैस्प, ठीक है। किसी चीज को, किसी चीज में से सिलेक्ट करके उठा लेना उसको, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, टेकिंग आर्टिकल, आर्टिकल को पकड़ लिया आपने, ठीक है, आर्टिकल को उठा लिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास चार मोशन आ गए, ठीक है, 1, 2, 3, 4, चार मोशन हो गया आपके पास, माइक्रो मोशन। उसके बाद आप क्या करोगे, उसको उठा के अपने हाथ में रखोगे, ठीक है, और उसको वापस लेके आओगे। उठाना मतलब ऑपरेशन, ऑपरेशन के बाद उसको आप अपने हाथ में रखोगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आप उसको होल्ड करेंगे, ठीक है, पकड़ लिया आपने, पहले सिलेक्ट किया, उसके बाद उसको उठा लिया, उसके बाद आपने उसको पकड़ लिया, एडजस्ट करके सेट कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया, अब पकड़ लिया, होल्ड किया, उसके लिए कैसा सिंबल होता है, ठीक है। अब ग्रैस्प कर लिया, ग्रैस्प करने के बाद उसको होल्ड किया, होल्ड के लिए क्या है, एच कोड है, होल्ड, इट मींस आपने क्या कर लिया, उसको सेट करके पकड़ लिया हाथ में, ठीक है। तो इसके लिए जो है प्रोलॉन्ग्ड ग्रैस्प, मतलब क्या, आपने उसको पकड़ के रखा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे आप, उसके बाद ये कौन सा आ गया, फिफ्थ आ गया, फिफ्थ, थर्डली। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्या करेंगे, उसके बाद उसको अपन ट्रांसपोर्ट करेंगे, जो है उसको अपने हाथ के अपने आगे लेके आएंगे, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। तो इसके लिए क्या है सिंबल, आप यहाँ पे लेके आओगे, वहां पे इसका आई का ऐसा सिंबल बनेगा नीचे की, और आप ये है, ये क्या बन गया, मतलब क्या, आपने उसको ट्रांसपोर्ट किया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लोडेड, नेम आ गया ट्रांसपोर्ट लोडेड, ठीक है, ट्रांसपोर्ट को लोड कर देना, ठीक है। तो अब यहां पे इसको क्या लिखेंगे आप, मूविंग एन आर्टिकल टुवर्ड्स यू, मूविंग एन आर्टिकल, आर्टिकल को मूव किया आपने अपनी तरफ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सेवंथ का सिंबल कैसा बनेगा, यहां पे पोजीशन करना उसको, बिल्कुल अपने सामने सही पोजीशन पर लेकर आना, तो कुछ ऐसा सिंबल आएगा, इसका नाम क्या है, पोजीशनिंग, पोजीशन करना उसको, सही पोजीशन में लेके आना, ठीक है, पोजीशन में लाना। इसको किससे डिनोट करेंगे, पी से। और इसके अंदर क्या, सबसे पहले मैंने क्या किया, उसको मूव करवा के अपनी तरफ लेके आया, उसके बाद उसको पोजीशन ली, उसके बाद क्या करेंगे, पोजीशन मतलब पोजीशनिंग एट डिफाइंड प्लेस, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आप लिख लेना, पोजीशनिंग एट डिफाइंड प्लेस, ठीक है। अब तक मैंने क्या किया, सबसे पहले सर्च किया, उसके बाद एक को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्या किया आपने, उसको क्या किया, उठाया, ग्रैस्प कर लिया, ग्रैस्प करने के बाद उसको वहां पे सेट किया हाथ में, तो ग्रैस्प प्रोलॉन्गली कि आपको जो है उसको पकड़ के रखना है, तो ऐसे सेट कर लिया उसको, उसके बाद उसको लेके आए, ट्रांसपोर्ट किया, उसके बाद यहाँ पे लाके उसको एक पोजीशन पर ले आए, जहां पे आप उसको असेंबल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या किया, असेंबली। तो असेंबली के लिए कैसा जो है सिंबल होता है, अब मैं सीधा लिखता जाऊंगा, बस आपको पता होना चाहिए किस लिए है, लिखते ऐसे हैं, ठीक है, तरलीक्स को ऐसे लिखना है। नेक्स्ट क्या है, असेंबली। तो यहाँ पे असेंबली,
ठीक है, उसको जो है दो पार्ट या दो पीसेस को आपस में जोड़ना। असेंबली का कोड होता है ए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, असेंबली के बाद यूज करना उसको जो है कोई भी फंक्शन जो भी काम लेना है अपन ने उसे। नाइन्थ क्या आ गया, यूज, ठीक है, सॉरी कोड, कोड क्या है इसका, यूज, यू यूज करना, ठीक है, कोई भी यूज कर सकते हो आप उसको जो है। अगर आपने यू ही इसका कोड है, यू ही इसका सिंबल है, ठीक है, यू जैसा सिंबल है और यू ही इसका कोड है, मतलब कि कुछ भी यूज करना है आपने उसको, टाइप करना है उसको, कोई भी ऑपरेशन करना है उसके बाद, ठीक है, आपने उसको यूज किया, किसी भी टूल को यूज कर लिया आपने, ठीक है, आपने उसको सबसे पहले क्या किया, एक टूल उठाया, उसको असेंबल किया, उसके बाद उसको यूज किया, उसके बाद अब आपने उसको डिसअसेंबल करना है फिर से, ठीक है। डिसअसेंबल का क्या कोड होता है, वन, जो यहाँ पे स्टार के अंदर डबल था, अब यहाँ पे क्या करना है, सिंगल, इतना सा फर्क है, ठीक है। तो ये सारी क्या है, थर्मलिक्स है, बहुत सारी होती है, टेंथ आ गया ऐसा, ठीक है। एक क्या है, डिसअसेंबल, डिसअसेंबल वापस तोड़ना उसको, ठीक है, जो भी पार्ट आपने यूज किया उसको वापस से अलग अलग कर देना। डिसअसेंबल का कोड है डी ए, ठीक है, ऐसे आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट है इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट का होता है ओवल शेप, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, आई कोड से इंस्पेक्ट, देखना कि सब कुछ सही हो गया है या नहीं हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है जैसे रिलीजिंग लोड, उसके बाद वापस रखना, ठीक है। तो क्या बनेगा, अब पहले अपन ऐसे जो था वो जो है लोड को इंक्रीज करने के लिए, उसके बाद अगर ऐसे करेंगे तो ये रिलीजिंग लोड, ठीक है। तो ये सारे क्या है, थर्मलिक्स हैं, ऐसे आपको कुछ एक लिख देना इनमें से, ठीक है। तो ये सारी क्या आती है, थर्मलिक्स, एग्जाम्पल आप थर्मलिक आएंगे तो आपने इनमें से 5-7 एग्जाम्पल जो है वो लिख देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब थर्मलिक क्या है, माइक्रो मोशंस, मैंने आपको बताया कि सर्च करना एक थर्मलिक है, आपकी आईज जो है वो मूवमेंट कर रही है वो एक थर्मलिक है, आपके हाथ एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं ये एक थर्मलिक है, माइक्रो मोशन है ये, ठीक है। उसके बाद अब क्या है, इसको कैसे रिकॉर्ड किया जा सकता है, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स आते हैं, कैसे आप उसको जो है माइक्रो मोशन स्टडी कैसे करते हैं, माइक्रो मोशन का मोशन एनालिसिस कैसे किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले आती है फिल्मिंग करना, ठीक है, फिल्मिंग द ऑपरेशन, फिल्मिंग द ऑपरेशन, ऑपरेशन को रिकॉर्ड किया जाता है, उसकी मूवी बनाई जाती है, ठीक है, वीडियो बनाई जाती है। उसके बाद देखा जाता है कि कौन कौन से मोशन हो रहे हैं, उसको स्लो स्पीड में करके देखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, एनालाइजिंग ऑफ, एनालाइसिस ऑफ डाटा रिकॉर्डेड, जो डाटा आया है उसको रिकॉर्ड किया जाता है कि यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है, ठीक है, कौन सी चीज है जो ज्यादा मूवमेंट ले रही है उस सारे को, ठीक है। उसके बाद जो है उसको क्या किया जाता है, अब जो है डाटा के ऊपर रिसर्च की जाती है, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा जो है, एनालिसिस ऑफ डाटा जो है, सबसे पहले फिल्मिंग की जाती है, फिल्मिंग के बाद जो है डाटा रिकॉर्ड किया जाता है, बीच में एक चीज रहेगी, एक पॉइंट, सेकंड पॉइंट, डाटा जो है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, और थर्ड पॉइंट है एनालिसिस किया जाता है। सेकंड पॉइंट, रिकॉर्डिंग द डाटा, रिकॉर्डिंग द डाटा इन सीमो चार्ट, सीमो चार्ट, सीमो चार्ट के अंदर वो डाटा जो है उसको स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो अब ये सीमो चार्ट क्या होता है, साइमल्टेनियस मोशन चार्ट, या साइमल्टेनियस मोशन एनालिसिस चार्ट, दोनों हाथ जो है वो कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, ये माइक्रो मोशन स्टडी के अंदर आता है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, सीमो चार्ट कौन से होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पक्का आता है हर बार सीमो चार्ट के बारे में। सीमो चार्ट कौन से चार्ट होते हैं, सीमो चार्ट ये वो वाले चार्ट होते हैं जिसके अंदर दोनों जो है मोशन साइकिल चार्ट रिकॉर्डिंग टेक्निक है, जिसके अंदर माइक्रो मोशन स्टडी किया जा सकता है। सिमल्टेनियस मोशन चार्ट, सिमल्टेनियस मोशन साइकिल चार्ट बोल सकते हो, या सिमल्टेनियस मोशन जो है चार्ट बोल सकते हो, चार्ट
ये क्या है? ये एक चार्ट है जो कि माइक्रो मोशन स्टडी को शो करता है. इज ए रिकॉर्डिंग टेक्निक, इज ए रिकॉर्डिंग टेक्निक फॉर माइक्रो मोशन या मोशन एनालिसिस. मोशन एनालिसिस, मोशन एनालिसिस को रिकॉर्ड करने की टेक्निक है ये. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो भी थर्मलिक्स होती हैं उनको फिल्माया जाता है, उनको रिकॉर्ड किया जाता है और उनके ऊपर रिसर्च की जाती है कि कैसे उसको जो है बेस्ट बनाया जा सकता है. ठीक है, और जो है ये जो होते हैं माइक्रो मोशन जो होते हैं वो मैन टाइप हो सकते हैं एंड फ्लो प्रोसेस चार्ट टाइप हो सकते हैं. ठीक है, सिमो चार्ट प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले क्या है, सारी जो है उसको फिल्माया जाता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है इन ए किसी भी रिकॉर्डिंग मेथड से, फिल्म से, फिल्म बनाई जाती है उसकी जिसके ऊपर ये रिसर्च करनी है. ठीक है, तो उसके बाद उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है. रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, एक चार्ट बनाया जाता है, चार्ट के अंदर सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं, तो ऐसे चार्ट बनता है एक. उस चार्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है वो देख लेते हैं. सबसे पहले ऊपर जो है एक जो है उसके अंदर सारा डाटा जो है आपने कौन कौन सी चीजें उसके अंदर फिल करनी है. सबसे पहले ऑपरेशन, क्या ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन और जो भी चीजें इसके अंदर चार्ट किसने बनाया, चार्टेड बाय. ठीक है, जो है किसने ड्राइंग की, मेथड क्या यूज किया, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग, मेथड कोई भी यूज किया आपने. ठीक है, उसके बाद क्या है ऑपरेशन नंबर, कितना कौन सा जो है ऑपरेशन नंबर, कौन से ऑपरेशन नंबर. अब ऑपरेशन को अलग अलग नंबर दे दिए जाएंगे और ये कौन सा ऑपरेशन नंबर है. फिल्म जिसको जो है स्टडी किया जा रहा है उस फिल्म का नंबर, फिल्म नंबर, कौन कौन सी फिल्म को स्टडी किया गया है इसके द्वारा. चार्ट नंबर, कितने चार्ट बने हैं इसके ऊपर, चार्ट नंबर. और उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है इसके अंदर, चार्टेड बाय, चार्टेड बाय. ये सारी चीजें हर चार्ट के ऊपर लिखते हैं आप लगभग. ठीक है, तो ये कौन सा है, सिमो चार्ट है, सिमो चार्ट. सिमो चार्ट के अंदर भी ये चीजें ऊपर आएंगी. उसके बाद नीचे क्या आएगा, सबसे पहले आप लिखेंगे जो है कितने बार आपने जो है उसको स्टडी काउंट किया. ठीक है, विंक कितने बार किया, विंक काउंट नंबर. ठीक है, कितने रीडिंग जो है कितने बार ब्लिंक किया गया है. ठीक है, तो ये चीज जो है उसको रीड किया जाएगा, रीडिंग, विंक काउंट रीडिंग. उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड डिस्क्रिप्शन, लेफ्ट हैंड डिस्क्रिप्शन. लेफ्ट हैंड कहां पर है, ठीक है, कहां कहां वो मूव कर रहा है, लेफ्ट हैंड के बारे में सारी डिटेल आ जाएगी. और कौन कौन सी थर्मलिक्स हो रही हैं, थर्मलिक्स. ठीक है, मतलब कि कोई सर्च हो रहा है या कुछ जो है मोशन हो रहा है या ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है. ठीक है, उस कंडीशन में आपका हाथ कहाँ पे है ये भी साथ के साथ लिखते जाएंगे. ठीक है, और जो है थर्मलिक वो कौन सी चल रही है, उसके बाद कितना टाइम लगा इसको, टाइम. ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या है दूसरे हाथ की डिस्क्रिप्शन जो है, दूसरे हाथ को कितना टाइम लगा, राइट हैंड डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखेंगे, राइट हैंड डिस्क्रिप्शन, इसको कितना टाइम लगा, पहले थर्मलिंग, थर्मलिक और उसके बाद लास्ट में क्या लिखेंगे, इसका टाइम कितना कंज्यूम हुआ, टाइम. ठीक है, तो ये सारी रीडिंग्स जो है इसके अंदर आएगी जो कि आप चार्ट बनाएंगे. ठीक है, तो ऐसे जो होता है इसको बोलते हैं सीमो चार्ट, इसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं. ठीक है, तो ये कैसे स्टडी होता है कि क्या है, वीक काउंट रीडिंग यहाँ पे लिखते जाएंगे, लेफ्ट हैंड कितनी दूरी पर कितना मूवमेंट किया, कहाँ से कहाँ तक गया वो यहाँ पे, थर्मलिक्स कौन सी सर्च चल रही है, कुछ इंस्पेक्शन चल रही है या ट्रांसपोर्टेशन चल रही है वो यहाँ पे लिखेंगे, टाइम कितना कंज्यूम हुआ, राइट हैंड क्या कर रहा है, उसकी थर्मलिक क्या है, वो क्या कर रहा है, रिसर्च कर रहा है या कुछ और कर रहा है. ठीक है, उसके बाद उसको कितना टाइम लगा. ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ऐसे स्टडी करेंगे. बेसिकली अपना मोटिव क्या है, आपने इकोनॉमिक बनाना है मोशन को और ज्यादा अच्छा बनाना है. इकोनॉमिक बनाने का मतलब है कि उसी पर्सन से आपका कैसे जो है उसको और ज्यादा आसान बना के उसके काम को
कैसे आप ज्यादा से ज्यादा काम ले सकते हैं, ठीक है, उसको भी काम करने में आसानी है, वो वही काम जो पहले वो दिक्कत से करता था आपको आसानी से कर पाएगा, ठीक है, जिसके कारण ज्यादा काम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो होती है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो इसके बारे में स्टडी करना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप आगे पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।